إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب هفيض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बादहू उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरुद और सलाम नाजिल हों ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि उसने हम तमाम को ईमान की दौलत से इस्लाम की दौलत से मालामाल और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और जब उम्मत मुख्तलिफ फिरकों और गिरोहों में बट गई तो अल्लाह तबारक वाली ने हमें उस जमात में रखा जिस जमात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यही हक़ पर है आज मुसलमानों की हालत ये है कि मुसलमान मुख्तलिफ़ ग्रुपों में मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ जमातों में बट गए हैं और हर शख्स अपने आप को यही समझता है कि वो हक़ पर है आज के खुतबे में मैं इन ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन सी जमात है जो हक पर है और ये दावा किस हद तक सही और दुरुस्त है उसके दलाइल क्या हैं इशल्ला किताब सुन्नत की रोशनी में बात करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबुलमीन मुझे और आप तमाम हजरात को किताबुल्लाह किताबल्लात रसूल की तालीमात पर अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए हज़रत खबा बिन औरत रज़ी अल्लाह तह कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में नमाज़ पढ़ी और वो नमाज आम नमाज़ों से ज़रा अलग थी यानी खौफ और उम्मीद में वो नमाज़ पढ़ी गई कहते हैं सुबह के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया पूछा कि अः अल्लाह के रसूल आज की रात जो आपने नमाज़ पढ़ी है ये तमाम नमाज़ों से ज़रा अलग थी इसकी कैफियत ज़रा अलग थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात जो मैंने नमाज़ पढ़ी है ये खौफ और उम्मीद के दरमियान थी फिर उसी वक्त आपने फरमाया कि आज मैंने अपने रब से तीन सवाल किए तीन दुआएं की दो को अल्लाह ने कबूल कर लिया और एक को रद्द कर दिया ये सुन न सही की हदीस है जो अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो दुआ की थी जो सवाल किया था उसमें से पहला सवाल यह था कि अल्लाह मेरी उम्मत को मुकम्मल तौर पर हिलाक मत करना इससे पहले जो उम्मतें थीं कौम नोह कौम आद कौम समूद कौम लोत हमने कुरानी मजीद में पढ़ा है कि अल्लाह का आज़ाब आया और ये सब के सब हिलाक और बर्बाद हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अय अल्लाह मेरी उम्मत को बयक वक्त सब को हिलाक मत करना अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल कर लिया कहते हैं दूसरी दुआ मैंने की कि अय अल्लाह मेरी पूरी उम्मत पर दुश्मन का तसल्लुत ना हो जैसे इससे पहले पूरी उम्मत को किसी ने यरगमाल कर लिया उनके ऊपर हुकूमत करने लगा उनको गुलाम बना लिया उम्मत मुहम्मदिया पर कोई भी मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी नहीं कर सकता ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी अल्लाह ने कबूल फरमाई हाँ कहीं पर गालिब हैं कहीं पर मगलूब हैं यह अलग चीज़ है लेकिन पूरी उम्मत पर दुश्मन का तसलुत हो जाए ऐसा नहीं हो सकता एक रियासत में एक मुल्क में एक गांव में एक करिए में एक शहर में कोई जुल्म कर सकता है लेकिन पूरी उम्मत के ऊपर वो हावी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई तीसरी दुआ आपने की कि अय अल्लाह मेरी उम्मत को टुकड़े मत होने देना ग्रुपों में मत बांटना फिरकों में मत बांटना अल्लाह के नबीम फरमाते हैं कि मेरी इस दुआ को अल्लाह ने रद्द कर दिया मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई मालूम यह हुआ कि उम्मत टुकड़ों में बटेगी उम्मत फ़िरकों में बटेगी उम्मत ग्रुपों में बटेगी बटे अल्लाह तबारक तबीसलम की इस दुआ को कबूल नहीं किया सही मुस्लिम की एक हदीस है अल्लाह नह के नबी अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जो दुआ की वो ये थी कि अय अल्लाह मेरी कौम को कहत साली के ज़रिए से पूरी उम्मत को हिला मत करना अल्लाह ने आपकी ये दुआ कबूल की दूसरी दुआ ये थी कि अय अल्लाह मेरी उम्मत को मुकम्मल तौर पर गर्क मत करना डुबोना नहीं अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल की और तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को फ़िरकों में और गिरोहों में तकसीम नहीं करना तो इस दुआ को अल्लाह ने कबूल नहीं की दोनों रवायतें मिलती जुलती हैं यानी अल्लाह के नबी वसल्लम की तीसरी दुआ कि मेरी उम्मत को ग्रुप में गिरोहों में फ़िरकों में मत तकसीम करना ये दुआ कबूल नहीं हुई लिहाजा ये उम्मत ग्रुपों में बटेगी है इरबाज इरबाज़ सारिया रज़ी अल्लाह तुकी की वो मशहूर हदीस कहते हैं एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब किया और आपका खिताब बहुत ही भलीग था ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को डराने वाले हैं और खौफ और दहशत का माहौल था है तरबाज़ इबनसारिया रजी अल्लाह तहो कहते हैं कि सवाल किया गया कि है अल्लाह के रसूल ऐसा लग रहा है कि आप हमसे रुखसत होने वाले हैं आपका यह खुतबा अलविदाई खुतबा मालूम होता है आप मुझे कोई खास नसीहत कीजिए तो अल्लाह के नबी सरम ने उस वक्त फरमाया था मई यश्म कुम बानक सुन लो मेरी बात जिसको मेरे बाद जिसको लंबी उम्र मिलेगी यानी जो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा फसर अख्तिला फ़नकसरा वो बहुत ज्यादा इख्तलाफात देखेगा यानी उम्मत के अंदर जो एक जुट है जो एक ताई है जो इज्तमीत है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी लोग इख्लाफात में पड़ जाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने इस हदीस में ये पेशीन गोई की कि मेरी उम्मत टुकड़ों में बढ़ जाएगी और इख्तलाफात बढ़ जाएंगे लेकिन यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीसम ने एक पहलू रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस है ला तयफ़त उमिन उम्मती ज़ाहरी हक़ अ लोगो याद रखो घर मेरी उम्मत के टुकड़े हो जाएंगे घरचे मेरी उम्मत फ़िरकों में बढ़ जाएगी घरचे लोग मुख्तलिफ़ ग्रुप बना लेंगे लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़ाल तयफ़त उमिन उम्मती ज़ाहरी नालक़ मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो हमेशा हक पर कायम रहेगी कितना भी इख्तलाफ कितना भी इंतिशार हो कितनी भी जमातें बने कितने भी फिरके बनाए लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया एक जमात हमेशा रहेगी जो हक पर डटी रहेगी ला तजाल उम्मीती मेरी उम्मत का एक गिरोह एक जमात हमेशा हक पर डटा रहेगा ला यजुरफ होम उनकी मुखालफत करने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे उनकी मुखालफत करने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर हम अहले हदीस हैं तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पर यकीन रखना चाहिए कि अहले हदीस को कोई कुछ नहीं कर सकता कोई नहीं बिगाड़ सकता है शर्त यह है कि हम अहले हदीस हो जाएं। नाम रख लेने से कोई अहले हदीस नहीं होता है हम समझते हैं हमने यदैन कर लिया हम अहले हदीस हो गए हमने आमीन जोर से कह दिया हम अहले हदीस हो गए हमने हाथ सीने पर बांध दिया हम अहले हदीस हो गए यकीनन ये चीज़ें सुन्नत से साबित हैं यह अहले हदीसों की पहचान है लेकिन यही अहले हदीस होने के लिए काफ़ी है ये गलत है अहले हदीस अकीदे की बुनियाद पर अहल हदीस अमल की बुनियाद पर मेरे भाइयों ये चंद जाहिरी आमाल हैं जिससे देख कर लोग हमें पहचान लेते हैं कि अहिल हदीस हैं लेकिन यह अहल हदीस का मजमू नहीं है यहल हदीस का कुल नहीं है ये हमारी छोटी पहचान है जिससे लोग ये समझ जाएँ कि हम अह हदीस हैं लातज़ा लताईफ़तम बिन उम्मती ज़ाहरी न अलह मेरी उम्मत का एक गिरोह मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर क़ायम रहेगी मन खालफ हम उनकी मुखालिफत करने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे वहुम अल्लाह का हुक्म आ जाएगा कयामत आ जाएगी लेकिन इनके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी यह हक पर कायम रहेंगे सही मुस्लिम की हदीस है इमाम मालिक इमाम महमद इबन हम्बल इमाम बुखारी इमाम इब्ने मुबारक रह ये तमाम आईमा ये कहते हैं कि यहाँ ताइफतुन से मुराद अहल हदीस हैं मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे अकाबर मुहद्दिसीन ने कहा इमाम बुखारी अलैह ने यह बात कही है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमत बात कही है इमाम इब्ने मुबारक रहमत बात कही है कि यहाँ तयफ़तुल से मुराद वो जमात जो हमेशा हक पर रहेगी वो अहले हदीस हैं इमाम इब्ने इबन रहमतुल्लाह रहाम कहते हैं अगर वह अहले हदीस नहीं हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और जमात हो सकती है इसलिए कि हक़ पर कायम रहने वाले सिर्फ़ जमात अहल हदीस के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल बहत्तर फ़िरक़ों में बट गए मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िरकों में बढ़ जाएगी उनसे भी एक कदम आगे गए कुल्लु सब के सब जहन्नम में इल्ला वाहिदा मगर एक जमात एक टोला एक गिरोह वो जन्नत में जाएगा साहब कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं आपने फरमाया माँ अना ही वा सहाबी जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही थी कोई तकलीदी फिरका था इमाम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये बात कही थी उस वक्त सिर्फ सहाबे किराम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले थे तो मालूम हुआ वो फिरका वो जमात जो कुरान और हदीस पर अमल करेगी वही जन्नत में जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे वफूक के साथ ये बात कह सकते हैं कि अगर कुरान मजीद पर और हदीस रसूल पर अमल करने वाली इस इसरो जमीन पर अगर कोई जमात है तो वह अहले हदीस है इसलिए कि हमारा मेहबर कुरआन है हमारा तरीक कुरान है कुरान और हदीस इन दोनों को छोड़ करके हमने किसी को अपना मेहवर नहीं बनाया हमने किसी को अपना दलील नहीं बनाया कुरान और हदीस पर अमल करने वाले ही जन्नत में जाएंगे एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अनाल ही वा सहाबी जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं और दूसरी हदीस में आपने फरमाया एक रवायत में हिया अल जमा वो जमात होगी तो जमात से मुराद कुरान और हदीस पर अमल करने वाले अब आज लोग हमको बदनाम करते हैं मुख्तलिफ शकुक को शुबात पैदा करते हैं वह शकुक व शबहत कैसे हैं और किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है किस तरीके से लोगों के दरमियान हमें बदनाम करने की साजिश की, की जा रही है स, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कहते हैं यह नया फिरका है यह नया फिरका है नहीं मेरे भाइयों नया फिरका नहीं है जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया जिस दिन आप पर वही नाजिल हुई और जिस दिन आप वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया और जिस दिन आप पर साब कराम ईमान लाए और जिस दिन से ये इस्लाम आया उसी दिन से ये जमात मौजूद है लोग खुद नए हैं और हमको नया कह रहे हैं कुरान और हदीस पर अमल करने वालों को अहले हदीस कहते हैं जब क़ुरान आया जब हदीस आई कुरान और हदीस पर अमल करने वाले आए उन्हीं को अहले हदीस कहते हैं हम नए नहीं हैं हम बेस हैं हम जड़ हैं हम बुनियाद हैं हम इस्लाम हैं हम ईमान का वो असल हैं जिस पर इस्लाम कायम है ईमान कायम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़ुरान और हदीस लेकर के आए उसी बुनियाद पर हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं अब मैं आपको बताते चलूँ कि अहले हदीस किसे कहते हैं हदीस का मतलब क़ुरान और हदीस को मानने वाला कुछ लोगों ने हमारे लोगों के अंदर शकुक को शुबहात पैदा किए कहा ये कुरान को नहीं मानते हैं इसलिए ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं वो झूठे हैं वो मकार हैं इसलिए कि हम कुरान को मानते हैं कई मकाम पर कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हदीस कहा फ़बे अये हदीस इम बा इस कुरान के बाद इस हदीस के बाद तुम किस पर ईमान लाओगे कुरान मजीद को कई मकाम पर अल्लाह ने हदीस कहा अल्लाह के नबी ससन फरमाया फ़ैन खैरल हदीस किताबुल्ल सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है तो न को भी हदीस कहते हैं नबी की हदीस को भी हदीस कहते हैं और अहले हदीस के माने क़ुरान और हदीस को मानने वाले जिस दिन क़ुरान आया जिस दिन हदीस आई उसी दिन से अहले हदीस हैं ये खुद नए हैं और हमें नया कह रहे हैं इसी तरीके से बाज़ लोग अहले हदीसों को बदनाम करते हैं कहते हैं ये इंतहा पसंद जमात है इनके अंदर तशद है ये बात गलत है सबसे ज्यादा मोतदिल अगर कोई जमात है इस रोए जमीन पर तो वह अहिल हदीस हैं हमने कभी तशद की बात नहीं की हमने कभी फिरका की बात नहीं की हमने कभी दहशत गर्दी की बात नहीं की हमारा ये अकीदा है कि अगर इस रूए ज़मीन पर रहने वाला कोई भी इंसान अगर नाहक तौर पर उसको कत्ल कर दिया गया तो उसने एक इंसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया दलील कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया मन कत्ल नफसन बेगैर नफसन अफ़साद फ़कमास जमिया वन आहयाहा फ़न्मा आह ना सजमिया जिसने किसी एक आदमी को कत्ल कर दिया नाजायज तौर पर उसने एक को नहीं पूरी इंसानियत को कतल कर दिया ये हमारा अकीदा है ये हमारा मनहज है ये हमारा तरीका है वमन फकान जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया ये हमारा बेस है ये हमारी तबलीग है और भारत की बात करें तो इस यहाँ जितनी जमातें हैं उन जमातों में सबसे पहले दहशत गर्दी के खिलाफ अगर किसी जमात ने फतवा दिया है तो मरकजी जमयियत अहले हदीस हिंद ने अपने अकाबिर वलमा के दस्तखत के साथ ये फतवा दिया कि दहशत गर्दी इस्लाम में हराम है सबसे पहले हमारी जमात ने किया मेरे भाइयों हमारे नौजवान अपने आप को अहले हदीस कहते हुए डरते हैं दंके की चोट पर कहो हम अह हदीस हैं हम किताबो सुन्नत के मानने वाले हैं हम कुरान हदीस पर अमल करने वाले हैं मेरे भाइयों लोगों ने बदनाम किया और आप उस बदनामी से डर गए कुरान हदीस पर अमल करने वाला कभी कभी मगमूम हो सकता है कभी बुजदिल हो सकता है नहीं हमारी जिंदगी साफ व शफाफ है हमारा मनहत साफ व शफाफ है हमारा तरीका साफ व शफाफ है लोग हमें बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं लेकिन इन साजिशों से कुछ नहीं होगा तुम दिए पादे मुखालिफ से न घबराए काफ ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए जितनी ज्यादा मुखालिफत होगी उतनी ही ज्यादा ये जमात मजबूत होगी इनशाला फुमां इंशाला मेरे भाइयों हमारे अकबिर ने इसके लिए जो मेहनतें की हैं इसके लिए जो कोशिशें की हैं वो तारीख में सुनहरे हरूफ में मौजूद हैं और यही नहीं मुल्क की खुफिया एजेंसियां भी इस बात को जानती हैं कि अहिल हदीस वो जमात है जिसने दीन के लिए नहीं मुल्क की हिफाजत के लिए भी जो काम किया है वो कोई जमात नहीं कर सकती है मेरे भाइयों इस मुल्क के पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर तमाम मुजाहिदीन के तमाम लोगों की कोशिशों को एक तरफ रखा जाए और सादिकपुर की कोशिशों को और उनकी जहाद को और उनकी मेहनतों को एक तरफ रखा जाए तो तमाम भारत के मुजाहिदीन का पल्ला ऊपर चला जाएगा और वलमाए सादिकपुर की खिदमतों का पल्ला नीचे हो जाएगा भारी हो जाएगा और मैं आपको बता दूँ वलमाए सादिकपुर पूरे के पूरे अहले हदीस थे हमने इस मुल्क को कैसा बचाया है हमने इस मुल्क को कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे असराफ ने अपना बलिदान देकर के इस मुल्क की आबियाारी की है हमने मिल्लत की भी हिफाजत की मुल्क की भी हिफाजत की और हम जमात की हिफाजत करना भी जानते हैं मेरे भाइयों लोगों के रोबो दबदबे से डर मत जाओ हौसले बुलंद रखो हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिस जमात की बागडोर अल्लाह के हाथ में है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सरमायाल हक ये हमेशा हक पर कायम रहेंगे ला यजुर हम मन खालफ हम इनके मुखालफिन इनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे मेरे भाइयों हमारी तारीख बड़ी ताबनाक है हमारी तारीख बड़ी रोशन है लेकिन अफसोस है हमने तारीख को पढ़ना छोड़ दिया हम मोबाइल में और व्हाट्सअप में आ गए हमने अपने असराफ की तारीख को दोहराया नहीं अगर हमने पढ़ा होता अगर हमने समझा होता तो हमें मालूम होता हमारे असराफ ने मुल्क मिल्लत और जमात के लिए क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम आइम्मा का एहतराम नहीं करते ये भी गलत है ये भी गलत है हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया लई सन्ना मलम यह रहम वलम युवकीर ना जो शख्स हमारे छोटों पर शफकत ना करे जो शख्स हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता है हम अकाबिर की इज्जत करते हैं उनका एहतराम करते हैं उनकी तकरीम करते हैं उनकी उनकी तकदीस करते हैं और हम उनकी तोहैन से और उनकी तजलील से अपने आप को बचाते हैं हमारा यह अकीदा है कि अइम के नाम चाहे वो कोई भी इमाम हो जिन इमामों के नाम पर जमातें बनाई गई हैं जिन इमामों के नाम पर फिरके बनाए हम उन तमाम अइमा का एहतराम करते हैं बल्कि मैं ये कहूँ इंतहाई इमानत दारी के साथ इस मंबरे रसूल से कि उन इमामों की जो इज्जत हम करते हैं अल्लाह की कसम कोई दूसरा नहीं कर सकता क्यों इसलिए कि हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हक बात के लिए कोशिश करता है अगर वो पहुंच गया तो उसको डबल सवाब मिलता है हक़ तक पहुंच गया तो उसको डबल सवाब मिलता है और हक़ तक नहीं पहुंचा कोशिश की तो भी उसको एक सवाब मिलता है। ये अईम कराम इन्होंने ऐसे वक्त में कोशिश की जब किताबें नहीं थीं, जब कंप्यूटर नहीं था जब कलम और दबात नहीं थे लोगों ने बड़ी मेहनतों से दीन पहुंचाया, बड़ी कोशिशें की हम उन तमाम अइमा की खिदमतों को तहसीन की निगाहों से देखते तमाम का तमाम अहतराम करते हैं और मैं आपको बता दूँ आप बताइए उन लोगों को तमाम अइमा ने ये बात कही है इंतहाई अमानत के साथ ये जो बात बता रहा हूँ मैं अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ लेकिन जब नबी की हदीस आ जाए और मेरी बात और नबी की बात आपस में टकरा जाए मेरी बात को छोड़ देना नबी की बात को तस्लीम कर लेना किसने कहा है अम्मा ने कहा है तमाम इमामों ने यही बात कही है कि मेरी बात नबी की बात से टकराए तो नबी की बात ले लेना मेरी बात छोड़ देना हम उन अइम्मा की बातों पर अमल करते हैं हम नबी की बात को लेकर के अम्मा की बात को छोड़ देते हैं और अयम्मा की जो बातें नबी की बात के मुआफिक हैं हम उन बातों को भी ले लेते हैं क्यों इसलिए कि उस पर नबी की सनद है ये हमारा मनहज है ये हमारा तरीक़ा है हम किसी भी इमाम को बुरा भला नहीं कहते हैं हम तमाम अम्मा का एहतराम करते हैं हमें ये बताया गया है हमें ये सिखलाया गया है हमें ये तालीम दी गई है कि बुज़ुर्गों का एहतराम करना ईमान का हिस्सा है हम तमाम अमा का एहतराम करते हैं इसी तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग इख्तलाफ की बात करते हैं ये लोग इख्तलाफ की बात करते हैं हालांकि इतिहाद के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें अगर किसी जमात ने की है तो हमारी जमात ने की है हम हमेशा सबको तोहद की दावत देते हैं और आपको बता दूं कि इतिहाद सिर्फ तोहद की बुनियाद पर हो सकता है तोहद की बुनियाद पर ही इतिहाद हो सकता है वरना फिरकों में इतिहाद नहीं हो सकता अल्लाह ने फरमाया व तस्मु बेहबली जमीयों, वला तफर रखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ सब लोग मिलकर पकड़ लो वला तफर रखो और तफरका ना करो हबल से मुराद कुरान है क़ुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ो इतिहाद आ जाएगा कुरान और हदीस पर अमल करो इतिहाद आ जाएगा लोग जमातों की तरफ़ बुलाते हैं लोग शहरों की तरफ बुलाते हैं लोग फिरकों की तरफ बुलाते हैं लेकिन अहले हदीस हमेशा कुरान और हदीस की तरफ बुलाता है हम ये नहीं कहते हैं हमारे पीछे चलो हम ये कहते हैं कुरान और हदीस को थाम लो कुरान और हदीस को पकड़ लो यही हमारा मेहवर है यही हमारा मंबा है यही इस राम की अहसास है और यहीं से इंसान को कामयाबी मिलेगी हम फिरकों और जमातों की तरफ दावत नहीं देते हैं इतिहाद अगर पैदा होगा तो तहिद की बुनियाद पर पैदा होगा और मैं आपको ये बताते चलूँ कि मज़हब के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर कोई जमात बनाई जाती अगर कोई तंजीम बनाई जाती है तो हमारा ये मंशूर है हमारा यह तरीका है कि अगर हमारे अकीदे और मनहज से वह बात नहीं टकराती है हम उसका साथ देंगे आप यह मत कहिए कि उनके साथ क्यों बैठते हैं उनके साथ क्यों जाते हैं यह हमारा मनहज है यह हमारा तरीका है कि मुल्क और मिल्लत की मफाद के लिए दूसरी जमातों के साथ हम इतिहाद करें जब तक कि हमारे मनहज पर और हमारे अकीदे पर गड़बड़ी ना हो अल्लाह के नबी वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए और वहां जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का एक वाक याद करते थे एक शख्स एक ताजर तिजारत की गरज से मक्का आया किसी ने उसका माल खरीद लिया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया कितना बड़ा जुल्म है माल ले लिया पैसा नहीं दिया मुसाफिर आदमी बाहर का था परेशान हुआ उस जमाने में अरबों में यह दस्तूर था कि अगर कोई मजलूम हो तो ऊंची जगह पर खड़े होकर के ऐलान करता था या सबाह तो लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते थे यह मजलूम आदमी ताजिर था किसी ने इसका माल ले लिया पैसा नहीं दिया पहाड़ी पर चढ़ गया ऐलान किया या सबाह दौड़ते हुए गए कहा क्या मामला है? कहा फला आदमी ने मेरा माल ले लिया है लेकिन मेरा पैसा नहीं दी हमारे नबी ससम फरमाते हैं उस वक्त मक्का में एक तंजीम बनाई गई एक सोसाइटी बनाई गई जिसका मकसद क्या था अगर हमारे इस शहर में कोई शख्स आता है और उसके ऊपर जुल्म होता है तो हम लोग मिल के उसका दिफा करेंगे हम लोग मिल करके उसकी मदद करेंगे अल्लाह के नबी वसल्लम मदनी जिंदगी में ये बात कहते हैं आज भी अगर कोई जमात बनाई जाती है आज भी अगर कोई सोसाइटी बनाई जाती है दूसरों की मदद के लिए तो मैं उसका एक अदना मेंबर बनने के लिए तैयार हूं जो लोगों के फायदे के लिए बनाई जाए और हमारा कुरान कहता है तनु अल बिर्री व तकबा वला तनु अल इसम व भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे का तान करो सपोर्ट करो और बुराई और गुनाह के काम में सपोर्ट ना करो कोई भी नेक काम कर रहा है हमें साथ देना चाहिए हमें साथ देना चाहिए जो हमें करना था वो सामने वाला कर रहा है तंजीम बनाओ जमात बनाओ काम करो कोई हरज नहीं है लेकिन अपने मनहज के साथ हम समझौता नहीं करेंगे अकीदे के साथ समझौता नहीं करेंगे मेरे भाइयों हमने कभी इख्तलाफ की बात नहीं की इसी तरीके से अहले हदीस के यहाँ दो ही वसूल हैं हम कोई बात कहेंगे उसकी दलील हमारे कहाँ से होनी चाहिए कुरान से हदीस से अहल हदीस के दो ही वसूल अति वति रसूल या तो क़ुरान से या तो हदीस से अल्लाह के नबी वसल्लम ने इन्हीं दोनों की तालीम दी है आप दुनिया से रुख्सत हो रहे हैं आपने फरमाया तरक तुफ़ी कुमरिन ما माँ मा तमसक तुम बिहि माँ किताबुल्ला वसुलती میری मेरी उम्मत के میں मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जाता हूं। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह व सुन्नती एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद है दूसरे मेरी सुन्नत अहादी से रसूल है एक हाथ में कुरान ले लीजिए दूसरे हाथ में हदीस ले लीजिए क़ुरान और हदीस यही इस्लाम का मजमु है इन दोनों पर अमल कीजिए दुनिया भी बन जाएगी आखरत भी बन जाएगी यही दोनों चीजें इस्लाम का सरचश्मा यही दोनों हैं अल्लाह आलमीन ने फरमायाती और व और रसूल अल्लाह की इताअत करो रसूल की इताअत करो लाल तुमोन ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए मज़मुआ है इस्लाम का कुरान और हदीस कुरान और हदीस का हुक्म होते हुए अगर हमने कयास किया तो यह कयास ही है जो चीज़ कुरान में नहीं है जो चीज़ हदीस में नहीं है वो दीन नहीं हो सकता कुरान और सुन्नत, कुरान को सुन्नत के बगैर नहीं समझा जा सकता मेरे भाइयों मैंने बताया कि जब लोगों ने अहले हदीस कहना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा अहले क़ुरान अहले कुरान क़ुरान कुरान, कुरान को मानते हैं हदीस को नहीं लेकिन अहले हदीस कुरान को भी मानते हैं हदीस को भी मानते और मैं आपको बताऊं क़ुरान को हदीस के बग़ैर नहीं समझ सकते हैं कुरने मजीद में अल्लाह ताला ने कहा ज़क़ात दो कितने माल में ज़क़ात निकाला जाएगा ज़क़ात का निसाब क्या है उसकी मकदार क्या है कुरान में अल्लाह ने कहा नमाज़ पढ़ो नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी तरीक़ा क्या होगा रकातें कितनी होंगी रोज़ा रखने का हुक्म है कब से कब तक रोज़ा रखा जाएगा उसका तरीका क्या है किन किन चीजों से रोजा टूटेगा किन चीज़ों से नहीं टूटेगा यह सब हमको कहाँ मिलेगा हदीस में कुरान को हदीस के बगैर नहीं समझ सकते हैं इसलिए हमारा अकीदा है कि कुरआन और हदीस ये दोनों मिनजल मिन अल्लाह इन दोनों को अल्लाह ने नाजिल किया है इसकी बहुत सारी दलीलें हैं मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ एक वाकया कुछ लोग हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताल के पास आए और कहा कि अल्लाह के अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे तो अम्मा ऐशा ने पूछा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कहा हमने पढ़ा है कहा जो कुछ भी कुरान में है वही नबी के अख्लाक थे कुरान पर अमल करके हमारे नबी ने दिखाया तो कुरान और हदीस ये दोनों मुनजल मिला और इन दोनों के ज़रिए से ही हम दुनिया और आखरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं क़ुरान को समझने के लिए हदीस का पढ़ना ज़रूरी है बगैर हदीस के हम कुरान नहीं समझ सकते हैं इसीलिए हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं कि हम कुरान और हदीस दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं इसी तरीके से कुरान और हदीस को समझना है अपने दिमाग से नहीं आज हम लोग बहुत बहुत सारे लोग बहुत अप टू डेट अपने आप को सहाबा से अलग करना कोई इनफरादियत पैदा करना जो काम मैंने किया अब तक किसी ने नहीं किया जो किसी ने नहीं किया उसकी क्या जरूरत है करने की यह तो एक नई जमात बनाना हुआ यह तो फितना पैदा करना हुआ कुरान और हदीस को समझना है सहाबा के नहज पर हम अपने हिसाब से कुरान की तफसीर नहीं कर सकते मेरे भाइयों कान खोल कर ये बात सुन ले अगर कोई कुरान को अपने दिमाग से समझेगा अगर कोई हदीस को अपने दिमाग से समझेगा तो वो गुमराह हो जाएगा कुरान और हदीस को समझने के लिए सहाबा का तरीका होना कुरान मजीद को सहाबा ने कैसा समझा हदीस को साहबा ने कैसा समझा अगर सहाबा के तरीके से हटकर हमने कुरान और हदीस को अपने इल्म के मुताबिक समझने की कोशिश की गुमराह हो जाएंगे अल्लाह तबारक ने फरमाया बिही फरमायाद अगर तुम्हारा ईमान उसी तरीके से हो जाए जैसे सहाबा का ईमान था तो तुम कामयाब हो जाओगे सहाबा ने कुरान को अपने दिमाग से नहीं समझा सहाबा ने हदीस को अपने दिमाग से नहीं समझा कुरान और हदीस को हमारे नबी ने जैसा समझाया सहाबा ने वैसा समझा यही दीन है यही मनहज है अपने आप को आलामा कह करके कुरान और हदीस की तफसीर और तशरी अपने अंदाज में करना लोगों को गुमराह करना यह हिदायत नहीं है ये गुमराही है बहुत सारे लोग कुरान को अपने हिसाब से समझते हैं हदीस को अपने हिसाब से समझते हैं अली रज़ी तों का वो कौल मुझे याद आता है कहते हैं अगर अकल की बुनियाद पर दीन होता अकल की बुनियाद पर यह दीन होता तो अकल कहती है कि मोजे पर मसाह नीचे करना चाहिए आपने मोजा पहना है अगर मोजे पर मसाह करना है तो गंदगी कहाँ लगेगी नीचे अकल कहती है कि मोजे पर मसाह नीचे करना चाहिए लेकिन दीन कहता है नीचे नहीं ऊपर करना चाहिए अकबर आओ हदीसों को पढ़ो अहले हदीस हो जाओगे जो नहीं हैं वो भी हो जाएंगे गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह लाहमद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मरकज जहां से किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की आवाज़ बुलंद होती है हम बहुत सारे चेहरों को जानते हैं जो शुरू में आते हैं धीरे 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 हदीसों को सुनते हैं कुरान को सुनते हैं तफसीर को सुनते हैं अहले हदीस हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला बढ़ता जा रहा है ये قافلہ बढ़ता जा रहा है रोज अहले हदीसों की तादाद बढ़ रही है आज हमारी तादाद को देखकर लोग घबराए हुए हैं मेरे भाइयों ये अल्लाह का वादा है अल्लाह ताला दीन की समझ जब लोगों को पैदा करता है عطا करता है तो वो हक को कबूल करते हैं आप लाख पाबंदी लगा लें लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाइयों कुरान को हदीस को उसी नहज पर समझना है जैसा कि सहाबा ने समझा था इसी तरीके से हमारी दावत लोग नमाज की तरफ बुलाते हैं यकीनन बुलाना चाहिए लोग सियासत की तरफ बुलाते हैं यकीनन जरूरत है लेकिन हमारा तरीका क्या है हमारा तरीका वही अंबिया का मनहज वही अंबिया का तरीका आप नमाज पढ़ें पंच वक्ता नहीं तहज्जुद का एहतमाम कर ले अकीदा सही नहीं है जन्नत में नहीं जा सकते हैं अकीदा असल है अकीदा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों अल्लाह तबार को ने जितने नबियों को भेजा जितने रसूलों को भेजा तमाम नबियों रसूलों की पहली दावत यही थी अनिबूलबाव अल्लाह की इबादत करो तागोत से बचाओ अहल हदीस तोहद की दावत देता है अहल हदीस शिर की मुखालफत करता है अहले हदीस कहता है इस रूए ज़मीन पर अगर किसी की इबादत की जाएगी तो वह रबुलजाल है उसी की इबादत की जाएगी ये हमारी दावत है ये हमारा तरीका है हम अपनी दावत का आगाज तोहद से करते हैं अगर तोहद है बाकी अमल में कमी बेशी है इन जन्नत में जाएंगे मेरे पास बहुत सारी दलीलें लेकिन बहुत सारा अमल है तौहीद नहीं है जन्नत में नहीं जा सकते हैं जन्नत में जाने के लिए तौहीद का सर्टिफिकेट होना जरूरी है मेरे भाइयों अहले हदीस का ये अकीदा है दीन मुकम्मल है अगर इसमें कमी कर देंगे तो इसका मतलब दीन को आपने मुकम्मल नहीं माना अगर इसमें ज्यादती करेंगे तो ये विदात है जितना हमारे ने भी ने दिया है वो तो नहीं लेना है ना उसमें कमी करना है ना उसमें ज्यादती करना है या अयोदीना आनुद खुलू में काफ़ा। ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ अल्लाह तबारा ने फरमाया कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया अलमा अकमल तो मती व रजी तो इस्लाम दीन दीन मुकम्मल है अल का अक़ीदा है दीन में न कमी की जाएगी न ज्यादती की जाएगी कुछ लोगों ने ज्यादती करके बिदातों को रिवाज दिया कुछ लोगों ने कमी करके दीन को कम कर दिया न हम कमी के कायल हैं न हम ज्यादती के कायल हैं अल्लाह के नबी ससरम को यह ख़तरा था आपने अपनी उम्मत को आगाह किया कुल्लु बिद जलाल। वो कुल जला फिर हर खुतबे में आप कहते थे बिदात गुमराही है गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है दीन में नया काम पैदा करना बिदात है बहुत सारे लोग दीन के नाम पर नई नई चीज़ें दाखिल करते हैं दात है इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं इसी तरीके से आखिरी बात अल हदीस का यह तरीका है हम जो भी हैं जैसे भी हैं लेकिन जब नबी की बात आ जाए जब कुरान की आयत आ जाए तो सरे तस्लीम खम कर देना यही अल्लाह तआला का फरमान है आप कैसे भी हों कितना भी गुनाह किए हों लेकिन हमारे पास दलील आ गई किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से हमने सर तस्लीम खम कर दिया इसी का नाम इस्लाम है इसी का नाम मनहज है इसी का नाम अहले हदीस है क़ुरान की आयत आ गई नबी की हदीस आ गई हम तावील करते रहें अल्लाह कितनी बड़ी बुराई है आज बहुत सारे लोग हैं जिनको कुरान की आयत पढ़कर बताया जाता है नबी की हदीस पढ़कर सुनाया जाता है कहते हैं नहीं इस कुरान को हमारे इमाम ने कैसे समझा है इस हदीस को हमारे इमाम ने कैसे समझा है खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं किस कदर बे हुए फकीहान हरम लोग अपनी बात रखने के लिए कुरान को बदल देते हैं हदीस को बदल देते हैं मेरे भाइयों अहले हदीस का यह अकीदा है ना कुरान को बदला जा सकता है ना हदीस को बदला जा सकता है जो कुरान और हदीस में है वही इस्लाम है ना इसमें किसी तरह की कोई कमी होगी ना इसमें किसी तरह की कोई जाती होगी हमारे अमल बुरे हो सकते हैं लेकिन जब बात आ जाए कुरान की जब बात आ जाए हदीस की सर तस्दीम खम करके कबूल कर लेना यही सच्चे मुसलमान की पहचान है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको व सुन्नत का पाबंद बनाए अल्लाह सब को मनहज को समझने की तौफीक नायत फ़रमाए अल्लाह जब तक हमको दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तो कब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत अनत रहीम बिरहमतिका का या अरहमर हम आमीन